हाय फ्रेंड्स, मैं नाम करण है, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है फिलिप्स रेडियो 2-in-1 कंपनी फ्रेंड्स है ये रेडियो, आप देख सकते हैं। और एक मेरे पास आ गया, आपने थंबनेल में देखा रहेगा कि मैंने क्लिक फोटो स्क्रीन के ऊपर देखा रहेगा कि मैंने क्या मैसेज किया कि रेडियो कैसे अपन को पता चलेगा कोई रिपेयर किया है कि नहीं रिपेयर किया, मैं आपको वो बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो देखना, आपको पता चलेगा। बिना खोले बिना ऐसे देखे मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि इसको रिपेयर किया है कि नहीं किया। मैं आपको वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा आज के टॉपिक में। मैं भी सीखते रहता हूँ। आई एम स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप भी मैं सीखते रहता हूँ, आप भी सीखेंगे। वैसे ही नई नई रेडियो के बारे में मैं ट्राई करते रहता हूँ, नए नए कुछ सीखते रहता हूँ, आप भी सीखेंगे फ्रेंड्स। पर मैं आपको बताऊंगा कि ये रेडियो दूर से हाथ में लेके ही अपन को पता चलेगा कि इसको रिपेयर किया है कि नहीं है। आपको मैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये रेडियो रिपेयर किया है कि नहीं किया है, इसको खोला है कि नहीं खोला है। मैं उसको आपकी छोटी छोटी स्टेप बताऊंगा और ये वर्किंग है कि नहीं है, नॉट वर्किंग है कि नहीं है, चालू है कि बंद है, तो वर्क करता है कि नहीं करता है। ये दो बैंड का है और ये कैसेट है, मैंने एक अंकल से ख़रीदा, मैं उसका उनका फ़ोटो भी डाल देता हूँ। पर आपको यही वीडियो में बताने का है कि आप भी कहाँ से भी रेडियो लोगे तो आप मुझे बहुत जन पूछते कि रेडियो रिपेयर किया है कि नहीं किया है, तो मैं आपको एक ही टेक्निक बताता हूँ कि कैसे पहचाने का कि इसमें रिपेयर किया है कि नहीं। बिना खोल के मैंने एक अभी एक बात सीखी है, मतलब अभी आपको भी सिखाऊंगा, वही मैंने सिखाऊंगा, मतलब मैं तो मास्टर थी नहीं, पर आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल गई, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये फिलिप्स इसके साथ में बहुत ही अच्छा है, कहाँ से टूटा फिटा नहीं है। पहले कभी भी ये फिलिप्स काम की बात करते फ्रेंड्स, कभी भी ये ऐसे चीज़ें लेते टाइम पे मैं ज़्यादा करके वॉल वाला ही लेता हूँ, पर ये बाय मिस्टेक से आ जाता है कभी मेरे को इसके अंदर के। मैंने बताया गैंग काम में आता है, इसके अंदर की व्हील होती है, इसकी बेल्ट होती है, इसकी बेल्ट की बेल्ट तो ख़राब हो जाता है, पर इसकी बेल्ट की साइज़ अपन को मिल जाती है। कभी कभी ये क्या है 2-in-1 के अंदर है ना, बेल्ट पूरी तरह फ्रेंड्स ख़राब हो जाता है, बहुत जन ने देखा ही रहेगा, उसके अंदर पूरी तरह मेल्ट हो जाता है, तो उसकी साइज़ नहीं पता चलती। उसकी परफेक्ट साइज़ होगी ना फ्रेंड्स, तो आपका वो कैसेट वाला टेप होएगा, कभी रोएगा नहीं, मतलब रोते रोते ऐसी ऐसी आवाज आएगी, वो नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो परफेक्ट ओरिजिनल बेल्ट होते हैं होना चाहिए, तो इसके अंदर ओरिजिनल बेल्ट है, लगा है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। कभी भी उसकी फ्रंट देखने के फ्रेंड्स, इसकी है कि नहीं है। कभी भी बाय करते टाइम पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि रेडियो बाय कैसे चेक करने का और कैसे लेने का, वो भी मैं ध्यान से बताने का देख रहा हूँ। ये भी अच्छा बना नहीं, उसका बैटरी कवर, चलो ठीक है, बैटरी कवर होने के बाद इसको खोल के देखने का इसके अंदर इसका पावर वायर है कि नहीं। इसका पावर वायर 70 रुपीज़ का आता है फ्रेंड्स, ध्यान रखने का, उसका अलग अपन को के अंदर पावर वायर रखा जाता है, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखने का, इसके बाद पावर वायर तो नहीं है, और पहली बात तो उसके बाद फ्रेंड्स इसका मॉडल नंबर देखने का, इसका मॉडल नंबर DL193, इसका मॉडल नंबर है फ्रेंड्स, ये वो चेक करना फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड ये कौन से मेड का बना है, मतलब कहाँ से बना है, इंडिया में बना है, पोलैंड में बना है, जापान का बना है, ये चीज़ ध्यान रखने का। ये इसके ऊपर लिखा रहता है कहाँ पर, नहीं कहाँ पर, इसके बैक साइड में लिखा रहता है यहाँ वहाँ, तो यहाँ पर नहीं लिखा, देखो यहाँ पर लिखा है मेड इन इंडिया, इसके ऊपर उसका मॉडल नंबर भी होता है। जी देखिए फ्रेंड्स, कैमरे से दिख रहा नहीं, पीछे ले लेता हूँ, देखो यहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये चीज ध्यान देखने का। और उसके बाद देखने का फ्रेंड्स यहाँ पर कहाँ पर टूटा है क्या नहीं है, मैंने इसको गीले कपड़े से पोछा नहीं, पोछने के बाद बहुत तनाटन बन जाएगा ये, तो इसका हैंडल वर्क करता है कि नहीं दिखने का इसका मतलब। और इसके अंदर रेडियो रहेगा ज़रूर, तो मतलब समझो इसके अंदर रेडियो है, दो बैंड का रेडियो है फ्रेंड्स इसके अंदर, यहाँ पर भी लिखा रहता है कितने बैंड का रेडियो है, ध्यान रखने का 2 बैंड का है, 3 बैंड का है, वैसे ध्यान रखने का। देखो यहाँ पर
दो बैंड का रेडियो है इसमें। उसके बाद दो बैंड के बाद देखने के फ्रेंड इसमें एंटीना है क्या नहीं है, देखो इसमें एंटीना ही नहीं कंपनी ने बनाया। चलो ठीक है क्यों नहीं बनाया, इसके कॉयल भी अच्छे कंडीशन मतलब अच्छे बनाए रहेंगे, मतलब आई एफ वी एफ बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए गए, उसके लिए एंटीना नहीं लगा रहेगा, ऐसे ही नेटवर्क पकड़ लेगा। चलो ठीक है, तो उसके बाद अंकल के साथ डिसाइड करने का, अंकल ये कितने रुपए में आएगा, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, तो अंकल बता देंगे ये पैसे वो पैसे। अंकल को बोलेंगे चालू है कि बंद है, अंकल तो आपको तुरंत बता देगा बंद है। तो मैं भी ऐसे ही मुझे मैं तो कोशिश करता हूँ बंद लेने से चक्कर में, तो मेरे पास मैकेनिक है, आपके पास मैकेनिक ना हो तो कुछ मत करना। और एक बार तो अपने मैकेनिक को इसका फोटो भेजना कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। और मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड, इसमें भी रेडियो की ऐसी लगी है, इसमें ऐसी मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश करता हूँ इसको खोल के भी दिखाने के लिए। अभी मैं टॉपिक पे आता हूँ कि लास्ट तक क्यों बोला था बताने के लिए कि इसको रिपेयर किया है कि नहीं रिपेयर किया। ध्यान रखने का फ्रेंड्स, इसको रिपेयर अंदर से किया है कि नहीं किया, मैं आपको यही सीक्रेट बताना चाहता था। देखो फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पर स्टिकर लगा है, मतलब स्टिकर लगाने का मतलब होता है कोई भी अपन किसके पास भी अपन चीज़ भी कुछ बनाने देते कुछ भी रखने के लिए, तो वहाँ पर अपना नाम लिख देता है कि इसके पास ये नाम का रेडियो है ये आदमी का, तो वो ढूंढ के अपन को तुरंत देगा। तो मुझे पता चल गया था फ्रेंड्स ये रेडियो रिपेयर के लिए गया था। ध्यान रखने का फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सीक्रेट बता दिया। देखो ये स्टिकर लगा दिया, ऐसे स्टिकर लगा रहता था वो टाइम पे, मतलब पुराने के टाइम पे, अभी स्टिकर लगाते आई डोंट नो, मैं रिपेयर करने जाता नहीं, ये अंकल अपना खुद का मैकेनिक है तो वो स्टिकर वगैरह नहीं लगाता। तो पहले के टाइम पे ऐसे ही स्टिकर लगाया जाता था और उसके ऊपर नेम लिखा जाता था कि ये आदमी का नाम है, इनका रेडियो है, रिपेयर हुआ है कि नहीं, और पैसे भी लिखा जाता था इसके ऊपर। पूरी तरह धुंधला हो गया तो नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे रेड कलर का ऐसे ऊपर ऐसे लाइन भी होती है, देखना कहाँ पे ना कहाँ पर। किधर ना किधर फ्रेंड्स स्टिकर लगा रहता है, ध्यान में रखने का। वो अंकल ने बहुत ही मतलब वो रिपेयर वाले अंकल ने बहुत ही अच्छा किया कि इसको साइड में लगाया। देखो ये साइड में क्यों, साइड में क्यों लगाया कि इसको हैंडल पकड़ने के टाइम पे किधर निकलना जाए, यहाँ से निकलना है, तो यहाँ पर उनने दिमाग लगा के यहाँ ही लगा दिया। मैंने लास्ट में वीडियो देख के क्यों बोला था कि रिपेयर इसके अंदर किया कि नहीं किया, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इसको रिपेयर किया है, मतलब रिपेयर मतलब इसको खोलने की कोशिश की है। देख सकते हैं, देखो एक तो पता चल गया आपको रिपेयर किया कि नहीं किया, इसको बोलना नहीं, मतलब बाय करते टाइम पर अंकल को बोलना नहीं कि इसको रिपेयर किया है, ये किया है, वो किया, तो बोलना तो बोल सकते हैं, थोड़े पैसे भी कम हो जाएंगे। तो ये तो आपको पता चलेगा कि कैसे पहचानेगा कि इसको रेडियो को रिपेयर किया कि नहीं। और समझो ये कोई कोई ऐसे निकाल के आधा भी पीस रहेगा छोटा सा, तो तब वो भी समझ जाएगा कि रिपेयर किया है। दूसरी बात, इसके चारों कॉर्नर के स्क्रू देखने के फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर एक लगा है, एक यहाँ पर एक लगा है, आपको दिख रहा है स्टार वाला है, देखो यहाँ पर एक लगा है, यहाँ पर लगा है, देखो यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको होल खाली, देखो यहाँ पर एक नहीं है। तो इसको खोलने की भी कोशिश किया फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है, तो मैं वीडियो बड़ी नहीं करूँगा, आपको तो पता चल गया। मेरे को यही बताने का था कि रेडियो मतलब रिपेयर किया है कि नहीं रिपेयर किया, बिना खोले बिना देख के, तो मैंने तुरंत आपको बता दिया कि इसको खोला है कि नहीं खोला है, आपको तो पता चल गया। स्टिकर लगा रहेगा वो पुराने मतलब होएंगे उनको पता रहेगा कि स्टिकर लगाते वो टाइम पे लिखने के लिए कि इसको रिपेयर किया। और इसका स्टिकर भी देखिए बहुत वो टाइम का, मतलब ओल्ड स्टिकर ही लग रहा है, मतलब वो पुराना जैसा। चलो ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये रेडियो मुझे, मैंने इसके अंदर W40 मार दिया कि यहाँ पर उसका बटन दोनों भी जाम था। देखो यहाँ पर और रेडियो पे दोनों भी जाम था, तो ये काम नहीं कर रहा था, मतलब बहुत लेफ्ट राइट नहीं हो रहा था, थोड़ा मतलब अंदर वो लगा था, कार्बन पकड़ा था। तो मैंने उसके अंदर W40 मार दिया, 5 मिनट W40 मारने के बाद तुरंत थोड़ा लेफ्ट राइट करना, थोड़े टाइम के बाद उसको ऑन करने की कोशिश करना, मतलब उसको चलाने की कोशिश करना, थोड़े टाइम के बाद वो वर्क करता है, जल्दी तुरंत वर्क नहीं होता, होता है ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं इसका पावर लगा के दिखाता हूँ। इसकी वायर नहीं मेरे पास इतनी बड़ी, ये पूरी तरह मुझे वर्किंग कंडीशन मिला, पर इसके अंदर की थोड़ी टेप की आवाज़ होती है, मतलब इसको लगा तो वैसे शार्प नहीं आ रही। इसकी फुल आवाज़ करने से इसकी आवाज़ फट रही है, वो क्यों नहीं फट रही वो पता नहीं, पर इसके अंदर फ्रेंड्स मैं बता नहीं देता, इतना अच्छा रेडियो बनाया कंपनी ने बनाया, इसके अंदर छोटा सा 3 इंच का ही स्पीकर लगाया, थोड़ी इसमें सर्कल देखो, इतना 5 इंच का तो स्पीकर लगाना चाहिए था। मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ, चलो
मैंने दूसरी कैसेट लगाई फ्रेंड्स, इसके अंदर हेड का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, इतना मुझे इतना आइडिया नहीं, पर मुझे थोड़ा डाउट है, पर मेरे को इसको रिपेयर पे नहीं करना है, इसके अंदर के पार्ट्स मुझे काम आएगा, उसके लिए मैंने बाय किया था। ये मुमरा जान का था, एक कैसेट पे फ्रेंड्स डिपेंड होता है। तो मैंने अभी आपको वो भी दिखाया, अभी मैं रेडियो लगाने की कोशिश करता हूँ। ये रेडियो यहाँ पर नहीं पकड़ेगा फ्रेंड्स, ट्राई करता हूँ। यहाँ पर गिरना, यहाँ पर रेडियो नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर रेडियो नहीं लगेगा। मैं इसका वीडियो बना के रखा हूँ विंडो पे जाके, तो वो भी डाल दूंगा लास्ट में। अभी मैं इसके और एक उसके ऊपर डाल देता कैसेट पे। ज्यादा बड़ा करने से इसकी आवाज फट रही हो कि नहीं फट रही मुझे पता नहीं। देख लिया फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने कैसेट भी चला के दिखाया, रेडियो भी दिखाया, चला के दिखाया। मैं अभी इसके अंदर का दिखा देता हूँ। अंदर का दिखाना जरूर होता है कि इम्पोर्टेंट होता है कि आपको बता देता हूँ इसमें ऐसी कैसी लगी है आपको। तो मैंने बता दिया इसको बिना खोले, बिना ऐसे ओपन करके देखने के कैसे, मतलब इसको रिपेयर किया है कि नहीं। मैंने आपको एक टेक्निक तो बता दिया, इसको स्टिकर लगा रहता है। अभी मैं वीडियो बड़ी नहीं करूँगा, अभी इसके अंदर का दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, जरा वेट करना। देखिए फ्रेंड्स, इसका देखो, ये ट्रांसफार्मर ही इसका हिल रहा है। देखो ये ट्रांसफार्मर को किधर है, लोग ने एडजस्ट किया है कि नहीं किया वो ही नहीं पता चल रहा है। इसके स्क्रू कहाँ पर लगे हैं, देखो देखो इसका पावर ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस मैंने बोला था ना कि इसके अंदर ऐसे इतना बड़ा सर्कल है, और इसके अंदर स्पीकर देखो कितना छोटा है। इसमें से आवाज़ क्यों फट रही वो नहीं पता फ्रेंड्स, आप देख सकते। और ये देखिए इसका ये सर्किट है, इसमें भी फ्रेंड्स आईसी लगी है। ये आईसी वाले सेट्स को भी कोशिश करना कि ना लेने के लिए, और कोशिश करना कि उसकी आईसी थोड़ी नहीं मिलती। और दूसरी बात देख सकते हैं, ये मोटर है देखो कितनी पुरानी है। और ये देखो इसका हेड, और इसका ये वॉल्यूम का यहाँ पर है, मैंने ऊपर से वॉल्यूम कर रहा था ना। इसको लगा देते हैं, ये देखो ये वॉल्यूम का बटन है, और ये अपन इसका चेंज कर सकते हैं ट्यूनिंग का। मैंने बताया ना रेडियो का ट्यूनिंग का है। ये देखो इसका ये पावर ट्रांसफार्मर है। इसमें से मुझे ये चीज़ अच्छी थोड़ी नहीं लगी कि इतना बड़ा वो सर्कल दिया, रेडियो दिया, इतना छोटा स्पीकर क्यों लगाया। तो इसमें से आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, और इसकी साइज देख सकते हैं, इतना तो 5 इंच का तो स्पीकर होना चाहिए। फिलिप्स कंपनी है फ्रेंड्स, ये मेड इन इंडिया है। आपको देख सकते कैसेट निकालना भूल गया इसके प्ले करते टाइम पर। और देखो
देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरी तरह भी बंद बिन कर लिया, आपने तो देख लिया, मैंने इसके अंदर के सारे पार्ट्स दिखा दिए आपको, आईसी बीसी सारे दिखा दिए, इसके स्पीकर वीकर पावर ट्रांसफर भी दिखा दिया। तो कोशिश करना कि रेडियो लेते टाइम पे कि बंद वाला रेडियो ना ले फ्रेंड्स, और अपने मैकेनिक को ही पूछ के लेना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम में मतलब बहुत भागदौड़ करना पड़ेगा इधर उधर। मैं तो चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करते रहोगे तो रेयर रेडियो बाय करने की कोशिश करें। ये भी रेयर है, अभी तो नहीं मिलता, इसको गीले बिले कपड़े से पोंछ के मैं इसको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बैग में रैप करूँगा। आपको तो पूरी तरह पता चल गया कि कैसे बिना देखे बिना खोले अपन को रेडियो रिपेयर अंकल के पास मतलब रिपेयर को गया है कि नहीं गया है, तो मैंने वो बात तो बता दी। तो कैसे लगी फ्रेंड्स तो बता देना कमेंट बॉक्स में, और लाइक तो जरूर करना। मैं वीडियो यही स्टॉप करें तो वीडियो बढ़ जाएगी। बाय फ्रेंड्स।